ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੂਆ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤ गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो चुकी है, मैं हो चुका हूँ एकदम तैयार, क्योंकि मेरे को निकलना है अपने काम के लिए। मेरी बेबी भी हो चुकी है तैयार। ये है एक अचंभे की बात कि दोनों तैयार हो गए। और ये जो इतनी खुशी आपको दिख रही है डांस में, ये इस चीज की खुशी है कि घर पे कुछ आने वाला है। मिथुन दा कहाँ से आ गए? तो अभी जो खुशी वाली चीज घर में आने वाली है, ये देखो क्या खा गई। सुन जा पापा बेटा, पापा तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं वो क्या चीज है जो आने वाली है, जिसका मेरी बेबी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और जैसे ही वो पहुंचती है, हो सकता है तब तक मैं निकल चुका हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेट हो रहा है आने में, लेकिन संभावना आप लोग को दिखाएगी। और आज उसका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे पता है। बहुत दिनों से, मतलब मैं इधर से उधर पता कर रही थी, इधर से उधर पता कर रही थी, कुछ मुझे ऐसा चाहिए था जो उसी में मिलेगा। क्योंकि अविनाश तो चला गया है। ये देख लेते हैं, एक और छोटा सा कोरियर आया है, इसको फाड़ खोल के देख लेते हैं क्या है। कुछ बिस्किट वगैरह मंगाए हुए थे, वो आए हैं। कोई आ भी गया। फाइनली द पार्सल इज हियर। आप अंदर अंदर जाओ। तो जी, पार्सल तो आ गया है घर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी खुलवा नहीं सकती। तो मैंने 3 बजे का टाइम दिया है, तब तक अविनाश वापस आ जाएगा और उसके बाद उसका देखेंगे, मतलब दिखाएंगे कि वो पार्सल क्या है। बड़े टाइम से इसकी इच्छा थी, बड़े टाइम से, लेकिन वो आ गया। मेरी तो यही छोटी छोटी खुशियां होती है, आपको पता ही है। वो खुशी आ चुकी है घर में, बस उसको अब खोलना बाकी है। यहाँ पे बना हुआ है पोहा, पोहा खा लेती हूँ मैं थोड़ा सा अपने वर्कआउट के लिए, तो मैं तैयार ही हूँ। ठीक है दोस्तों, खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। जी एक्सरसाइज खत्म कर ली मैंने और मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ। अभी तक अविनाश आया नहीं है, तो मैं अपना खाना वाना खा के वेट करूंगी। तब तक वो डेमो देने वाला बंदा भी आ जाएगा, वो जैसे ही आता है तो फिर सामान भी आपके सामने खुल जाएगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ। एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे है नहीं, लेकिन अंदर फूट फूट के निकल रही है, मैं कैसे ही बताऊँ। खाना खा ले, वो नहाई हुई है ना, नहाई है तो मेरे को बता रही है भौंक भौंक के कि भाई मैं नहाई हूँ, नहाई हूँ, मुझे देख क्यों नहीं रही है, मैं नहाई हूँ। नहाए मेरे बच्चे, आ जा, आना इधर आना, आ जा मेरे मम्मा के पास, आ जा मम्मा ना यहीं बैठ के खाना खाएगी, आप मम्मा के पास आ जाओ, आ जाओ, आ जा भाई, आ जा मामा भाई, आ जा मामा, सारे इकट्ठे हो गए मम्मा के बैठ के, सारे इकट्ठे हो गए भाई, सारे लफाड़िए इकट्ठे हो गए। क्या है, क्या है, क्या चाहिए तेरे को? ए छोटंकी, क्या चाहिए? ए छोटंकी, क्या चाहिए? सुन सा, अभी नहीं मिलेगा कुछ भी, अभी सैलेड नहीं खा रही मम्मा, रात को देंगे आपको सैलेड, अभी नहीं मिलेगी कुछ भी। उसको लग रहा है सैलेड मिलेगी उसको, वो इसीलिए वेट कर रहे हैं। ओ मेरा वेट नहीं था ये, जाओ जाओ ले लो, चलो उससे दी से ले लो, थोड़ा थोड़ा दे दे अमिता इनको। तो जी मैं आ गया हूँ घर पे और जो चीज आने वाली थी वो भी आ गई है। तो फाइनली दोस्तों, जो चीज आनी थी, अब इसको ज्यादा सरप्राइज नहीं रखते हुए आपको दिखा दूं। दिस इज गोइंग टू बी माय द कैरियर, दिस इज गोइंग टू बी द, क्या कहते हैं उसको, कुछ बताओ ना। क्या बताऊं, मेरी खुशी का मैं इजहार नहीं कर पा रही हूँ इन वर्ड्स, लेकिन ये मेरी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज तक मैं बाहर ढूंढती थी। चलो ठीक है, मेरे पास अच्छी अच्छी कॉफी मशीन थी, अब आपको पता लगी है, लेकिन ये वो वाली मशीन है जिससे मुझे मेरी वाली कॉफी मिलेगी, बीन्स की, फ्रेश बीन्स की। सो हियर इज माय कॉफी मशीन, लाओ ये खोलते हैं इसको। अरे तो बहुत बड़ी है। नहीं बड़ी नहीं है, छोटी है। हाँ, मतलब इधर ही रखनी है, इधर। अरे वाह, कैसी लगी? पूरी कॉफी शॉप हो गई। अभी भी इसमें से जो कॉफी निकलेगी ना, हाँ। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, लाइक फ्रेश बीन्स में से क्या होता है। अरे वो कहाँ गई जो अभी लेके आई थी दुबई से? वो आप, मैं तुम्हारे रूम में करूंगी। अच्छा, और जो ब्लैक वाली है ना, जो अपनी है, उसको रखेंगे, देखेंगे कि क्या करना है उसका, कहाँ पे प्लेस। उसको तीसरे रूम में रख देते हैं। कहाँ है वो तीसरा रूम? हमारे बेडरूम में, हर रूम में कॉफी मशीन है ना। मतलब थोड़ी सी है एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने कहा एक बार में अब इन्वेस्ट तो कर ही दो इसमें। आओ दोस्तों, मतलब कुछ ज्यादा हो गई हो। मतलब कॉफी ही निकलेगी, लेकिन किस तरह की निकलेगी ये देखना है। तो इसमें बीन्स यहाँ पे डलता है ऊपर, आप लाए हो बीन्स? नहीं हमारे पास तो कोई बीन्स, हमारे पास कोई बीन्स है क्या? अब ये इनके लेके आए ना, थोड़ा ही डाल देता हूँ। नहीं आप पूरा डाल दो ना, क्या पेट्रोल में, या थोड़ा डाल दो, मैं बाद में डाल दूंगी, ये लो। लेकिन तुम सीख लो।
कहाँ डालेंगे कॉफी? ये आप देख लो, ये कॉफी बीन्स है, लाइक लिटरली कॉफी बीन्स की कॉफी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, ये बहुत जबरदस्त चीज मंगवाई है इस बार मैंने, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप क्या करना है इसको, गुड बाय नहीं कर दिया उसको। बेसिकली ये वो वाली कॉफी निकलेगी जो आप कैफे में जाकर पीते हो, घर पे आपको वो वाली कॉफी मिलेगी। इसमें ऑप्शन है एस्प्रेसो, कॉफी स्टीम एंड हॉट वाटर। अब इसका मतलब एस्प्रेसो लूंगो अमेरिकानो रिस्ट्रेसो। अच्छा मतलब ये तो स्ट्रॉन्गर वाली हो गई ना, किसी को स्ट्रॉन्ग चाहिए हो, ये नॉर्मल अमेरिकानो है। ठीक है, तो अगर हमने सोचो ये मैं कप डालती हूँ इधर रखा, ये कप के हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, इसको सिलेक्ट करना है। ये बटन, कोई भी बटन, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कॉफी का अमाउंट कम ज्यादा करने के लिए। ये 5 पे जाएगा ना, तो यहाँ से ग्राइंडिंग ज्यादा होगा। अच्छा। तो आपका कॉफी ज्यादा, ये ग्राइंडिंग का लेवल है, किस लेवल की ग्राइंडिंग चाहिए आपको। तो ज्यादा ग्राइंड में जाएगा तो कॉफी भी आपका स्ट्रॉन्ग आएगा। कॉफी में पानी का लेवल कितना चाहिए आप कम ज्यादा कर सकते हो। एस्प्रेसो नॉर्मली 40 ml रहता है, वही हम जो कॉफी का तुम बोलते हो कितने ml आप शॉट डालते हो, हमारा जनरली जो रहता है 30 रहता है, उसी पे रहने दो। अभी सिर्फ कॉफी आएगी 30 ml है ना, पानी बाद में आएगा, फिर हमें उसमें अलग से गर्म पानी डालना हो तो अब इधर से ले सकते। अच्छा, वही कह रहा हूँ, फिर अमेरिकानो ले लो, पानी मिला के आता है। अब इसमें पानी करना हो तो पानी ऐड करना है तो, लेकिन उधर खिसकाना पड़ेगा ना इसको। आपको एक्सप्रेस में पानी अगर चाहिए तो आप अमेरिकानो ले। हाँ, अमेरिकानो ही चाहिए मुझे। हाँ, तो अमेरिकानो में भी है, मुझे अमेरिकानो ही करना है। तो एक्सप्रेसो क्यों किया तुमने, मुझे नहीं पता। अमेरिकानो में 40 ml कॉफी आएगा इतना ही, उसके बाद ऊपर से पानी ऐड हो जाता है 100 ml, वो अपने आप हो जाता है। तो आपको उसको भी कम ज्यादा कर सकते हो। 30 ml कॉफी और 80 ml वाटर, मीडियम मीडियम, और टेम्परेचर टेस्ट करके देखेंगे। हाँ, और ये माय फेवरेट में सेव हो गया। टेस्ट करके भी देखते हैं ना। कॉफी तो एकदम बड़े बढ़िया है, लेकिन मुझे आई थिंक एक बीन्स और बढ़ा देते हैं और पानी और बढ़ा देते हैं, तो हमें पूरा कप मिलेगा कॉफी का। शॉट 30 ml ही रहेगा? नहीं, बढ़ाना पड़ेगा, देखो पी के देखो। 40 ml शॉट करना पड़ेगा 30 की जगह, और पानी वही अपना 110 जो कंपनी सेटिंग है ना वही रख दो। हाँ, 110 ml पानी, 150 ml का वो सेटिंग रहेगा जो यहाँ तक आ जाएगा। तो मशीन बंद होने से पहले वही ऑटो क्लीन आ गया, गुड बाय। अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से, हो गया। अब मैं इसको ग्लास को रख देती हूँ, ठीक है। अमेरिकानो पे गए, सेटिंग अपनी यही रहेगी, सेटिंग अपनी यही रहेगी। बीन्स का क्या लेवल बढ़ाना है, ग्राइंडिंग का? हाँ, एक लेवल बढ़ा के देखते हैं। बढ़ा दिया। अब कैसे स्टार्ट? ये परफेक्ट है कॉफी, देखो टेम्परेचर को मैंने हाई करना है, हाई कर दिया। अब ये कॉफी 40 कैसे हो गई? वो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, हमेशा उसी पे आएगा, तो तुम्हें अपना फेवरेट बना के सेव करना पड़ेगा उसमें कि मेरी सेटिंग ये। हमें कौन सा वाला अच्छा लगा था फेवरेट? 50 था, फिर हमने उसको बाद में हमने सोचा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग चाहिए, तुमको उसको 55 करना पड़ेगा। 55 कर दिया। तो अभी भी मैं इसको समझ ही रही हूँ, मतलब 3-4 कॉफी बना ली है, बट मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे मतलब एक दो बार तो प्रॉब्लम होगी बनाने में, सीख लूंगी। तुम्हें आ गई समझ में? आ गई मुझे, आ गया। अब आपको मेरे भरोसे बैठना पड़ेगा। ये देखो कितनी प्यारी निकल रही है। एक कॉफी फेंक दी है, एक ये टेस्ट हो गई, एक ये टेस्ट हो गया, अभी आखिरी टेस्ट हो रहा है। झाग होता है ना कॉफी में, झाग ऊपर आता है, वो चाहिए। उसके लिए मैं महरूम रह जाती हूँ कॉफी के लिए। शुगर अलग से डलेगा। हाँ, ये देखो ना एक्सप्रेसो बन गई ना, ये देखो दिस इज एक्सप्रेसो अपना, सॉरी कैपुचिनो। तो अमेरिकानो तो हम लोग पीते हैं, अगर कैपुचिनो चाहिए आपको तो ये रही, ये देखो कितनी बड़ी है, बहुत अच्छी। बाहर कैफेज में भी तो यही होती यही तो होती है बेबी, और क्या होता है, और एकदम गर्मा गर्म है। हाथ लगाओ, आया मजा? देख लो जी, मुझे तो चढ़ गया बुखार, गला हो रहा है दर्द, डॉक्टर से ले ली अपॉइंटमेंट। मुझे लगता है सीधे इंजेक्शन ही लगाएंगे डॉक्टर, इतना ज्यादा तेज बुखार हो गया मेरे को, और इतना ज्यादा गले में दर्द हो रहा है, और अचानक हुआ है। अच्छा खासा एक्सरसाइज करके आई हूँ, सब कुछ ठीक था, मशीन लगाई सब किया, अचानक दर्द हो गया। और आपको पता है मैं लेटी हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ की तबीयत खराब है, इनको जाना अपनी बॉल से खेलने। वो कह रही है तू जा दफा हो डटे खूह में, जा दफा हो इधरो, लेकिन सानू लेके चल ते बॉल खड़ा। इंज नहीं होता ना कुड़िया, थोड़ा जहा तो समझ ले माँ नू, इंज नहीं होता। माँ दी तबीयत ही खराब है, माँ नहीं है ठीक ना कर, बाप नू बोल खड़ाए तेनो, जा तेरे प्यो नू बोल खड़ाए तेनो, चलू तो खड़ा, माँ की तबीयत ठीक नहीं आ, माँ नू लगूगा सुआ, ताई ठीक होगी माँ, ओ तेरी माँ तबीयत ठीक नहीं है कुड़िए समझ।
माँ दी तबीयत ठीक नहीं है पुत। इत माँ की तबीयत ठीक नहीं है, एनू बॉल की सूझी हुई है, जा दवा हो। इंज जहा कुत्ता किसन चाहिए है जे माँ प्यो का ख्याल ही ना रख सके। ऐ आई है विचों टंगा दे विचों। आइए मां की टंगा के विचों झोवी चाहिए ताकि मां दे मुंह ते चट सके। ऐ हुण मां दा मुंह चट रही है। ओ कमीनी है, मां दी तबीयत नहीं है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बीमार हूं। बुखार चढ़ गया इतना तेज, ये आदमी को ठीक करते आदमी अपना लैपटॉप पे फिल्म देख रहा है। जिसने ठीक किया वो बुखार में पड़ा है, उसको देख रहे नहीं। मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ दोस्तों, थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो जी मैं तो लेटी हुई हूँ, आ गया मेरा खड़ाऊ। खड़ाऊ बीबी, लेकिन 9 बजे मेरी एक मीटिंग है। तो जाओ भाई मेरे साथ, वैसे भी तुम कहाँ रहते हो, मेरी जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है तुम कहीं मैं लेट करता हूँ। तो 10 बजे कर दूँ? अरे जाने दो भाई, दस बजे जाओ अपना, मैं अपने आप अकेले। मैं 10 बजे करता हूँ, रुको ना। इसको पता है बुखार तेज हो गया, मेरे को सब पता है। तो जी मेरे बाद बेबी को पकड़ लिया तगड़ा वाला फीवर, 2 घंटे में ऐसा चिपट गया फीवर क्या बताएं। अब हम निकले, अभी रात का अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर का 8 बजे का, जा रहे हैं और वो भी दूर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। दोस्तों तेज हो गया बुखार, करा मेरा बहुत मजाक बनाया था ना बुखार में। मैंने मजाक कब बनाया? बनाया था, अब मेरे कराहने का मजाक बना दी थी ना। तुमने मेरा बनाना है, इससे तो मैं सब रहा था। नहीं यार, जैसे तुम जाए तो मैं खुद ही चले हूँ। क्या मैं अकेले भी जा सकती हूँ डॉक्टर के पास? मजाक बना रहे हो बातें। नहीं बहुत पता नहीं अचानक इतनी तेज दर्द हुआ शुरू हुआ इतना तेज। जी दोस्तों, संभावना की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके गया हूँ मैं, और वहाँ पर उसको लगे 2 इंजेक्शन बड़े बड़े। उसके बाद उसको घर पे लाके छोड़ा है, उसकी थोड़ी तबीयत थोड़ा ठीक होना शुरू हुई है, वो जाके सो गई। फिर मेरा काम जो 9 बजे था, मैंने उसको 10 बजे शिफ्ट किया। फिर मैं गया हूँ अभी, अपना काम खत्म करके आया हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 11:30। अब मैं आके मैंने चुपचाप अमिता को फोन किया, बेल नहीं बजाई कहीं उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, और मैं चुपचाप अंदर जाके सो जाऊंगा, उसे पता भी ना चले कि मैं आ गया हूँ। आप लोग को मिलते हैं कल, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। ये तो पूरे 2 हफ्ते बीमारी में ही निकल गए, कभी इसको वायरल, कभी उसको वायरल, कभी फलाना को वायरल, कभी ढिमकाना को वायरल। अरे ये बाहर कैसे आ गई, दरवाजा खुला हुआ है क्या? चुपचाप, हम शोर नहीं मचाएंगे, मम्मा जग जाएगी। ठीक है चलो आ जाओ।